आज हमारे बीच में अर्चित सैनी और अर्चित सैनी के फादर डॉक्टर कुलवीर सैनी यहाँ पर हैं। और आप लोगों का काफी आग्रह था, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, कि अर्चित सैनी को बुलाया जाए एक बार और उससे हम लोग मोटिवेट होना चाहते हैं। और उसने इस छोटे से शहर शहर में रहकर एक छोटी कोचिंग में पढ़कर एम्स में एडमिशन लिया। सपना होता है लोगों का एम्स में जाना, और एम्स में इतनी कम सीट होने के बाद भी जनरल कैटेगरी से एम्स में एडमिशन हुआ है अर्चित का। और अर्चित की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। क्लास 10th में NTSC क्वालिफाई किया, स्टेज 1 भी स्टेज 2 भी। क्लास 11th में KVPY क्वालिफाई किया, क्लास 12th में भी KVPY क्वालिफाई किया, और ऑल इंडिया 16 रैंक। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, करनाल शहर से ऑल इंडिया 16 रैंक। मुझे लगता है अर्चित हरियाणा की ये फर्स्ट ही होगी 16 रैंक इस साल, हरियाणा में फर्स्ट ही रहा KVPY में। और नीट में 720 में से 705 नंबर, अपने आप में कीर्तिमान है। लास्ट ईयर 701 पर रैंक 1 थी ऑल इंडिया। इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा किया, पेपर का लेवल भी थोड़ा कम था, तो 705 मार्क्स पर ऑल इंडिया 51 रैंक है, लेकिन एम्स दिल्ली मिला है। तो अर्चित का क्या अर्चित के लिए पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, टीचर्स ने कैसे इसका साथ दिया, और मेन तो अर्चित का है क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, सभी के साथ मेहनत कर रहा है, पर अर्चित के इतने अच्छे मार्क्स क्यों हैं, अर्चित ने बाकी लोगों से क्या डिफरेंट किया, ये आज हम लोग अर्चित से जानेंगे। और अर्चित के फादर 2 साल तक, अर्चित की मदर 2 साल तक साथ में लगे रहे, और उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बीच बीच में हम लोगों का डिस्कशन होता था अर्चित के बारे में, तो जो भी सपना इन्होंने देखा वो सपना पूरा हुआ। और अर्चित की वजह से बाकी और बच्चे, क्योंकि अर्चित की वजह से बैच बहुत बढ़िया हो गया, मुझसे बच्चे बोलते थे कि सर अर्चित की वजह से हमें इंडिया लेवल का कॉम्पिटिशन मिल रहा है, तो उसको पॉजिटिव लिया बच्चों ने। और इसके बैच से 690 नंबर हैं वरुण के, जो इसी के ग्रुप में था, साक्षी, और 650 भी हैं, तो 600 से ऊपर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए। उसके अंदर इंस्टीट्यूट के साथ साथ अर्चित का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बड़ी अच्छी बात थी अर्चित की कि कोई भी बच्चा डाउट्स पूछ रहा है तो डिस्कशन भी करता था। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो अब जो जो आपके क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे कि ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो मैं आपकी तरफ से अर्चित से क्वेश्चन पूछूंगा और आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और एक जैसे अर्चित के पेरेंट्स ने एक एम बनाया था कि हमें बहुत बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए, वो मिला। तो जो आप लोगों ने सपना देखा हुआ है ना, वो सपना पूरा पूरा करने के बाद अर्चित हमारे बीच में है। तो अर्चित, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कब सोचा था कि डॉक्टर बनना है? कब सोचा था? सोचा शुरू के 11th में था, फिर बीच के 2-3 महीने वो थॉट चला गया दिमाग से, फिर ट्रैक पे आ गया था दोबारा। अच्छा, फिर मतलब 11th में आके सोचा था कि डॉक्टर बनना नहीं, है। सोच तो 10th में लिया था, मतलब फिर वो बायो में मार्क्स कम आते थे ना मेरे शुरू में, तो सोचता नॉन मेडिकल ही ठीक है, ये तो अजीब सी चीज है। तो उसके बाद जब मार्क्स ठीक आने लग गए तो फिर इसी के साथ कंटिन्यू। अच्छा, काफी बच्चों का ये रहता है, जैसे मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में क्लास 11th में, तो वो अपने पेरेंट्स को एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे साथ तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने 9th 10th में 11th 12th का सिलेबस कर लिया था, हमें तो आपने लेट में एडमिशन कराया है। तो इसका कोई फर्क पड़ता है? आपने 9th 10th में 11th 12th का सिलेबस किया था, 9th 10th में तैयारी की थी? नहीं, बस 10th में मैंने 3-4 महीने ही NTSC की तैयारी करी थी, उससे पहले कुछ भी नहीं करा था। और NTSC की तैयारी में बस मेन चीज़ तो SST और मेंटल एबिलिटी पढ़नी होती है, वही सिलेक्शन के लिए